नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण। 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में ऐसा संयोग बन रहा है जो 27 साल बाद बन रहा है। बात करते हैं क्या समय रहेगा सूर्य ग्रहण का तथा किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार दीपावली के अगले दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण होने के कारण मंगलवार 25 अक्टूबर को कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ऐसा संयोग 27 वर्ष बाद देखने को मिल रहा है। यह ग्रहण भारत वर्ष सहित मध्य पूर्व पश्चिम एशिया आदि स्थानों पर दिखाई देगा। इसका सूतक प्रभाव प्रातः काल 8:28 से प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण क्रांति मालिन्य के साथ दोपहर 2:28 से शुरू होगा और 4:28 से ग्रहण सूर्य को स्पर्श होगा तथा शाम को 5:29 सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में ग्रहण देखने का दोष होता है। इस अवधि में उपवास रख करके हवन यज्ञ तिलदान करने का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। ग्रहण काल में शयन करना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना कदाचित बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ग्रह दान, जप, असहाय की सेवा करना सर्वोत्तम माना गया है। ग्रहण के बाद हवन आदि कर स्वयं स्नान करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण में के समय इन कार्यों को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन राशियों पर ग्रहण का क्या क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान विद्या की हानि होगी। वृष राशि के लिए राज्य व्यापार का लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक एवं शैक्षिक लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए खर्च तथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। सिंह राशि, शरीर में कोई कष्ट, मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन की हानि एवं पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। तुला राशि, लक्ष्मी की प्राप्ति तथा यश कीर्ति की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, रोग के द्वारा कष्ट एवं विद्या की हानि। धनी धनु राशि वालों के लिए संतान से कष्ट तथा मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। मकर राशि, स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में खलल उत्पन्न होगा तथा आत्मग्लानि प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि, शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं तथा मानसिक तनाव रहेगा। इस प्रकार ये इनका प्रभाव है। और ग्रहण काल में सभी लोग भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, पूजन करें तथा मंदिर आदि में पर्दा बना करके रखें, मंदिर को न खोलें, मूर्तियों को स्पर्श न करें। धन्यवाद।